आतंकवादी कबड्डी का खेल खेल रहे हैं गली और कूचों में। मैं तो बोल रहा हूँ जेड प्लस सिक्योरिटी हटाइए कोई भी सही होता है तो हम नहीं ओके मिश्रा थैंक यू सो मच। जो रोक जिस दिन से नेताओं के घर के लड़के शहीद होने लगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर यूं काम कर सके। मैं तो बोलता हूँ नेताओं के घर के लड़के शहीद होना शुरू हो यूं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दो मिनट में। देखिए इमोशनल बातें नहीं करके मैं कह रहा हूँ देश में अब विषयांतर हो रहा है मिश्रा जी आपको याद हो रहा है मैं सही बोल रहा हूँ सर घर व्यवहारिक बात भेजिए अपने लोगों को डिफेंस में भेज देंगे सर बालाकोट कर दिया तो इंडिया से मिलिट्री हटा दीजिए। अगर इनको लग रहा है कि हम सुरक्षित हो गए हैं मिलिट्री और पुलिस हटा दीजिए हटा दीजिए। सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आप सबसे क्या हमने साम दाम दंड भेद अभी तक अपनाया या नहीं अपनाया? सर हमने दंड नहीं अपनाया है बाकी सब अपना लिया है ठोक के कहते हैं दंड को छोड़ के बाकी तीनों चीजें अपना ली है नोटबंदी करके। बाला जी देखिए कांटे को कांटा निकालता है समझ लीजिए मैं आपको बता दूं बात खत्म बालाकोट के बारे में जरूरत नहीं हटा दे मिलिट्री क्या कर रहा है लेकिन ये शहादत कब तक होगी और इसका हिसाब कौन देगा ये भी तो बड़ा सवाल है ना सर। देखिए ये शहादत कब तक होगी सुनिए मैं बता रहा हूँ एक सेकंड जब तक नेताजी लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती रहेगी ना जिस तरीके से इनके घर की सिक्योरिटी होती है उसी तरीके से वो उन एरिया को सिक्योर क्यों नहीं कर पाते हैं शहरों को सड़कों को चौराहों को क्यों नहीं कर पाते हैं सेना के बंकरों को क्यों नहीं सिक्योर कर पाते हैं सेना के ट्रूप्स को क्यों नहीं जेड प्लस सिक्योरिटी दे पाते हैं। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। टेक्निकल वे में अगर आप देखिए टेररिज्म चावला जी ये फिफ्थ जनरेशन वार है। जी हाँ देश बदला मांग रहा है और बदला शहादत का चाहिए बलिदान का चाहिए और सवाल यह कि आखिरकार शहादत जो है वो कब तक जारी रहेगी। आपको बता दें आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट एके मिश्रा जुड़े हुए हैं उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीरें जब मैंने देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर। देखिए ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है आतंकवाद बहुत दिनों से हिंदुस्तान में होता आ रहा है इस तरीके का। पुलवामा के बाद जब हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया उसके बाद भी ये चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं और इस पर हम सभी दलों को पूरे देश को एकजुट होकर इस मुद्दे से लड़ना होगा। बीजेपी के लोग कभी भी इस तरीके का नहीं चाहेंगे कि हमारे जवान इस तरीके से शहीद हों लेकिन बॉर्डर पार जिस तरीके का ये वारदातें ये लोग बार बार करते आ रहे हैं पूरे राष्ट्र में तो अब बहुत कंट्रोल हो गया है लेकिन कश्मीर की तरफ अभी भी ये इनका ये आतंक जारी है। इस पर सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा पूरा राष्ट्र इससे आहत है। साहब कौन गया था एके मिश्रा गया था क्या बालाकोट करने या आलोक बस गए थे या तिलक चावला वहां भी गया था जो सैनिक गए थे वहां पर उन्होंने बालाकोट किया। तो मेरा सवाल सीधा ये है कि आखिरकार क्या जो पॉलिसी हम अपना रहे हैं क्या उसी में चूक है जिस वजह से हमारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं। चावला जी देखिए उस वीर शहीद शर्मा जी को नमन उनकी माता जी को नमन जो कि वीर पुत्रों को पैदा करने की परंपराएं ऐसी माताओं ने जिंदा रखा है आज तक महाराणा प्रताप शिवाजी की परंपरा जारी है। सवाल यह है ना कि बालाकोट हमने किया उसके पहले 1972 भी किया था 65 वगैरह 62 वगैरह में भी बार हुई थी। टेक्निकल एनालिसिस देखिए मैं आपको क्या बताऊं इकोनॉमिक प्रेशर बनाना जरूरी है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल सारे प्रेशर बनाना जरूरी है मल्टी एंगुलर प्रॉब्लम होती है। टेक्निकल वे में अगर आप देखिए टेररिज्म चावला जी ये फिफ्थ जनरेशन वार है ये फ्रंट टू फ्रंट ओपन वार नहीं होती है। यहाँ पे जो आपका आतंकवादी होता है दुश्मन आप सड़क पे चल रहे हैं वो बेल्ट लगाए हुए हैं बटन दबा के अपने आप को उड़ा देता है आपको पता नहीं कि आपका पड़ोसी क्या लेके निकल जाए यही चीज है। देखिए होना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं इंडिया में इसको इस प्रॉब्लम को यानी कि टेररिज्म की प्रॉब्लम को जैसे ये अटैक कश्मीर वगैरह में होते हैं कि निकल के जवानों को मार देते हैं गोली जो ग्लोबल स्टैंडर्ड नॉर्म है जो देश इसको मैनेज करते हैं बहुत सारे देश हैं उनके यहाँ भी ये प्रॉब्लम थी उस लेवल से हम अभी भी बहुत नीचे हैं। इस चीज को डिफेंस एक्सपर्ट समझते हैं
मिलिट्री समझती है। देखिए इसका सबसे पहले सोल्यूशन क्या होना चाहिए, वो यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग वो नेता लोग करते रहे इंटरनेशनल मीटिंग, मैं केवल उस एरिया की मैं बात करता हूँ जहाँ पे ये घटनाएं होती हैं कश्मीर वगैरह में, वहाँ पे क्या होना चाहिए। अभी देखिए पहले बात चली थी, अभी मेरे ख्याल से मिलिट्री को वो चीज़ करने के लिए परमिशन नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि पर्टिकुलर जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको चारों तरफ से घेर करके कटीले तार लगा के गहन जो है चेकिंग की जाती है कि एक भी घर से कहीं से भी हथियार निकले तो सबसे पहले उस पूरे एरिया को डिसआर्म किया जाता है। इसकी बात चली थी लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं, इस चीज की परमिशन नहीं मिली। मैं बोलता हूं 500,000 किलोमीटर जो इन्फेक्टेड एरिया है, एक बार सबसे पहले आप गहन चेकिंग करके मिलिट्री को परमिशन दीजिए, सारे आर्म्स एंड एम्युनेशन वो वहां से निकाल के फेंक दें। उसके बाद सेकंड लेयर में इनको क्या करना चाहिए कि नए आर्म्स एंड एम्युनेशन आने नहीं चाहिए। पुलवामा हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि आरडीएक्स कहीं ना कहीं से आ गया, अभी जो हमला हुआ जो होता है कहीं ना कहीं से AK-47 लेके आते हैं, कितना बड़ा भी आतंकवादी क्यों ना हो अगर आर्म्स एंड एम्युनेशन की सप्लाई रुक गई। ये बात AK मिश्रा बिल्कुल सही आप पकड़े हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप पॉलिटिकल इकोनॉमिकल मीटिंग दौर पे दौर दावत पे दावत करते रहिए ना, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन ये शहादत कब तक होगी और इसका हिसाब कौन देगा, ये भी तो बड़ा सवाल है ना साहब। देखिए शहादत कब तक होगी, सुनिए मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, जब तक नेताजी लोगों को जेट प्लस सिक्योरिटी मिलती रहेगी ना, जिस तरीके से इनके घर की सिक्योरिटी होती है उसी तरीके से वो उन एरिया को सिक्योर क्यों नहीं कर पाते हैं, शहरों को सड़कों को चौराहों को क्यों नहीं कर पाते हैं, सेना के बंकरों को क्यों नहीं सिक्योर कर पाते हैं, सेना के ट्रूप्स को क्यों नहीं जेट प्लस सिक्योरिटी दे पाते हैं। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना सर। सुनील कौशिक साहब, ये जो बात सीधे तौर पर AK मिश्रा ने कही है ये बेहद गंभीर बात है कि भैया अगर आरडीएक्स पहुंच जाता है, आरडीएक्स आ जाता है साहब, आईडी ब्लास्ट किए जाते हैं। और देखिए अभी बिश्केक में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुला रहे हैं इसी मुद्दे पर, हमें सब लोगों के साथ एक बार सम्मेलन जब होगा तब होगा, अभी जो रोज मर रहे हैं उनके लिए क्या इंस्टेंट क्या सर, दो साल के बाद सम्मेलन होगा तो बोलिएगा, दो साल के बाद जो रोज मर रहे हैं, अरे दो साल से कड़ाई दे रहे हैं ना, क्या ले रही है सरकार, एक मिश्रा सुन लीजिए एक सेकंड, कड़ा एक्शन क्या है सर, तो कौन सा 56 इंच का सीना लेके आप सरकार कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल बातें करने से गन मैन यानी गंड जो गन लेकर के AK-47 लेकर के जो आतंकवादी है ना, वो पॉलिटिकल डिबेट और पॉलिटिकल बातों से जो है उसका सलूशन नहीं निकलने वाला है। चाय पे बुलाएं क्या AK मिश्रा, हुर्रियत को चाय पे बुलाएं क्या, ये चाह रहे हैं आप, क्या चीज हुर्रियत को चाय पे बुलाएं क्या, नहीं नहीं सर मैं तो मना कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ये पॉलिटिकल बात नहीं, तो है सोल्यूशन क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि भैया आपने डायलॉग करना बंद कर दिया, कितना कड़ा कदम उठाया सर, पॉलिटिकल कड़ा कदम जितने आप चाय पे बुलाते रहिए पाकिस्तान को, हुर्रियत को, पक्ष को, विपक्ष को, आप करते रहिए गोलमेज सम्मेलन, नेचर ऑफ जॉब समझिए, टेररिज्म को कंट्रोल कैसे किया जाएगा इसको समझिए। इसके लिए आप इसराइल का एग्जांपल लीजिए ना, बहुत सारे देशों का, अमेरिका ने क्या किया, रशिया ने क्या किया, जीरो टॉलरेंस की आप बात करेंगे लेकिन आप अपने डिफेंस एक्सपर्ट और मिलिट्री वालों को खुली छूट नहीं देंगे, क्यों नहीं कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना कि क्यों नहीं छूट दे रहे पूरा 500 किलोमीटर के दायरे में, खुली छूट नहीं दी थी तो पुलवामा हुआ कैसे, हुर्रियत से बात करने की जरूरत नहीं है, अब सर इसी पे मैं बोल दूंगा तो फिर वो हो जाएगा पुलवामा के, साहब आपने पुलवामा कर लिया तो 1000 साल के लिए भारत सुरक्षित हो गया, आप बोल दीजिए कि 1000 साल तक भारत की सीमाएं सुरक्षित हो गई पुलवामा के बाद, डिफेंस की कोई जरूरत नहीं, नहीं नहीं खत्म ना, बालाकोट हो गया ना खत्म ना, आलोक जी बस बात खत्म, बालाकोट के बाद डिफेंस की जरूरत नहीं, हटा दे मिलिट्री, बालाकोट हो गया, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि साहब अब मिलिट्री की जरूरत नहीं, एक एक सड़क एक एक रोड सब कुछ सुरक्षित हो गया है, यही बोलना चाहते हैं आप, नहीं कहा हमने, हमने कहा अरे सर वो हो गया ना, अभी आज जो घटना हुई है उसका इलाज क्या हो, ये कबड्डी का खेल है कि एक दौड़ पर कबड्डी का खेल, मैं आपको बता रहा हूं आतंकवादी कबड्डी का खेल खेल रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, आतंकवादी कबड्डी का खेल खेल रहे हैं गली और कूचों में।
इसका क्या मुंहतोड़ जवाब मिलने जा रहा है उस परिवार को बोलिए। ये जब आतंकवादी कबड्डी का खेल खेल रहे हैं गली और कूचों में, गली तो उनको वही स्ट्रेटजी अपनाइए ना। सार्थक बात होने चाहिए। कभी ये गली में वो निकल आते हैं आतंकवादी, कभी उस गली में। एक सेकंड, इसके अंतरराष्ट्रीय एप्लीकेशन होते हैं। कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर हूं, जाकर इनके साथ चाय पीकर आते हैं। एक मिश्रा जल्दी से, फिर आलोक जी आपके पास। चावला जी देखिए, कांटे को कांटा निकालता है, समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं, ठीक है? टिट फॉर टैट। आप राजनीति करते रहिए, बात करते रहिए, 70 साल से कर रहे हैं, 70 साल और कर लीजिए। नेचर डिफरेंस समझिए। वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो LOC है, और वो LOC के उस पार पाकिस्तान जैसा एक बदमाश देश है। कभी भी वहां पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं रुकेगी, कुछ भी नहीं होगा, ये चीजें होंगी। उसके लिए जो हमारे डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट है, जो इंटरनेशनल नॉर्म है, सबसे पहले आप वो अपनाइए, ताकि हर रोज होने वाली घटनाओं को रोका जाए। पूरे एरिया की कॉम्बिंग करिए, डिफेंस एक्सपर्ट को, मिलिट्री को छूट दीजिए, हमसे ज्यादा निकाले और नए हथियार ना आए। एक बात बताइए, आप सारी चीज करते रहिए ना। मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आप सबसे, क्या हमने साम दाम दंड भेद अभी तक अपनाया या नहीं अपनाया? सर, हमने दंड नहीं अपनाया है, बाकी सब अपना तो लिया है। ठोक के कहते हैं दंड को छोड़ के बाकी तीनों चीजें अपना ली है। नोटबंदी करके, बात करके, किया था दंड वाला, आप क्यों छोड़ रहे हैं? सबसे पहले दंड वाली चीज अपनाइए ना। क्या किया फिर बताइए ना, दंड क्या है? बात करके किया था दंड वाला, आप क्यों छोड़ रहे हैं? सबसे पहले दंड वाली चीज अपनाइए ना। क्या किया फिर बताइए ना, दंड क्या है? जब ये भस्मासुर फिर पैदा हुआ, तो जब तक ये भस्मासुर पैदा हो रहा है, रक्त बीज पैदा हो रहे हैं, तो इनको दंड देने की प्रक्रिया जो है चालू रखिए। क्यों दंड देना बंद करके आप बातचीत पे आ जाते हैं? कह रहे बालाकोट कर तो दिया। सर, बालाकोट कर दिया तो इंडिया से मिलिट्री हटा दीजिए। अगर इनको लग रहा है कि हम सुरक्षित हो गए हैं, मिलिट्री और पुलिस हटा दीजिए, हटा दीजिए। सर, बालाकोट कर दिया तो इंडिया से मिलिट्री हटा दीजिए। अगर इनको लग रहा है कि हम सुरक्षित हो गए हैं, मिलिट्री और पुलिस हटा दीजिए, हटा दीजिए। और क्या बोलूं, हाथ जोड़ के बोल दूं सर, मस्कुलर पॉलिसी। आपको लग रहा है कि बालाकोट करने से भारत की सीमाएं हजार साल सुरक्षित हो गई? इंटरनली जो हम जंग झेल रहे हैं, मस्कुलर पॉलिसी से हासिल हुआ कुछ? मैं वही पूछ रहा हूं, एक सेकंड, जो इस तरीके के आपके पास जहां इस तरीके की वारदातें होती है, वो थमने का नाम नहीं लेती है कि आपने एक बार अटैक कर दिया तो रुक जाएंगे। अभी आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, और हम और सच्ची और रही बात कि वहां पर फेंसिंग भी हो रहा है, कॉम्बिंग भी हो रही है, शायद इसकी जानकारी आपको नहीं है। चावला जी, लेकिन हो तो ये आज एक दिन का नहीं हो रही है, मुझे जानकारी है, जिस कॉम्बिंग की मैंने बात की है, मुझे जानकारी है, वो चीज नहीं हो रही है। वालों ने सब कुछ का जिम्मा ले रखा है, ये कितने वर्षों की समस्या है। एक दिन में ये समस्या पैदा नहीं हुआ है, और एक दिन में इसका हल नहीं निकलेगा। आपने आपने चुनाव में क्या बोला, हम समस्या का समाधान करेंगे, बोला नहीं? हम बोला, बिल्कुल करेंगे। बीजेपी ने बोला नहीं, आपने तो आप बीजेपी ऐसा नहीं कह रहा, आपने कहा एक दल नहीं प्रॉमिस किया, सारे दलों ने प्रॉमिस नहीं किया। क्या कहा था कि हम यहाँ पर, उसने कहा हम 370 नहीं उठाएंगे, 35 से नहीं उठाएंगे, देशद्रोह मुकदमे की धारा वापस करेंगे। आपने कहा जिम्मेदारी आपकी बनती है, रखिए, आप देखते रहिए, जो चीज हमने कही है हम सब पर खड़े उतरेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ओके ओके, ये समय चाह रहे हैं, एक सेकंड ऋषि जी, आ रहा हूँ, एक सेकंड सर। 5 साल तो जनता ने देख लिया, 5 साल में आपने क्या किया वो तो मैं आपसे हिसाब ले लेता हूँ, लेकिन आप बताइए आपको और साल में अगर हमने सही नहीं किया होता तो जनता इस तरीके का मैंडेट देकर हमको, अरे क्या सही किया आपने, जनता का विश्वास जीता है हमने। सर, कश्मीर नीति को लेकर आपने 5 साल में क्या किया, ये बता दीजिए। नीति पर भी क्या किया, जिनके साथ सरकार बनाए थे, एक सेकंड, अब पैनल में कोई नहीं बोलेगा। ओके, एक सेकंड, आलोक जी बताइए, 5 कदम जो आपने कश्मीर नीति को लेकर दिए, और कश्मीर नीति आपकी है क्या, क्या है कश्मीर नीति बताइए जरा देश को। कश्मीर नीति में जिनके साथ हमने सरकार बनाई थी, जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आई तो हम उनसे अलग हो गए। राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, राष्ट्रीय चुनाव के समय में जिन नेताओं ने देश को बयान दिए, दो दो प्रधानमंत्री की मांग की, पाकिस्तान के पक्ष में चुनाव बयान आए, आपने कार्रवाई क्यों नेताओं पर चुनाव के बाद, चावला साहब एक भी कार्रवाई ऐसा
संसद को धर्म संसद बना दिया, जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, यही राष्ट्रभक्ति है सर। जय श्री राम का नारा लगाना इस देश में क्या कोई गुनाह है? हाँ, जय श्री राम का नारा लगाने से आप घर घर में राम बैठे हुए हैं। एक सेकंड वो सांसद शपथ लेगा जय श्री राम के नाम, ओवैसी कहेंगे अल्लाह अकबर नारा लगाएंगे। एक सेकंड ओवैसी कहेंगे अल्लाह ऊपर नारा लगाएंगे। आलोक जी लगवाएंगे अपने सांसद से नारा? ओवैसी को अपने धर्म में जो मर्जी करे। उस विषय में नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ इतना बताइए आप अभी राष्ट्रीयता की बात कीजिए, जो आतंकवाद से जूझने की समस्या है उस पर हमको कड़ा कदम उठाना है। आपका राष्ट्रीय बना देते हैं, अगर हम धर्म संसद ही बनाते तो देश की जनता ने ऐसी बहुमत देकर हमको नहीं वापस किया होता। लोगों के प्रति हमारे कार्यों को होनी चाहिए। अब आप उनको पता है कि यही एक सरकार है जो कारगर कदम। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और 2009 में ज्यादा सीटें आई थी, उनको भी ऐसा ही भ्रम हो गया था जैसा आपको भ्रम हो गया है कि हम 2014 में 2019 में दोबारा आए तो जनता ने बहुत अच्छी से पसंद किया है। इस भ्रम में बीजेपी न रहे। मैं कुल मिलाकर ये बात समझ गया, रहकर हमने कोई गलत काम किया है, हमने कोई घोटाले किए हैं, हमने किसी तरीके का गलत। सर मैं उसी बात आप मोहर लगा दीजिएगा आप मंदिर मुद्दे पे जीते, आप 370 पे जीते, 35 ए पे जीते, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनसे आप सुना नहीं चाहते। आप बैक हो रहे हैं, सब पे बैक हो रहे हैं, सब पे बैक हो रहे हैं। आपको लगता है बैक हो रहे हैं लेकिन हम बैक होंगे नहीं। आलोक जी आपको लगता है कि जनता ने आपको 370 के मुद्दे पर वोट दिया या सुनो? परिसीमन वगैरह राजनीतिक इशू है, राजनीतिक बेनिफिट है, राजनीतिक करेक्शन है, मैं ये मानता हूँ। मेरे पास समय हो गया खत्म, लेकिन चलते चलते सबसे एक कमेंट लेता हूँ, ठीक है सर? सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? एक मिश्रा आप ही से शुरू करता हूँ, बताइए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैंने बता दिया है सर, कांटे को कांटा निकालता है। आप डिफेंस के लिए वो नेचर समझिए, नेचर ऑफ जॉब समझिए और उसको उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेशंस करिए, उसमें कोई कोताही मत बरतिए। बाकी राजनीतिक सॉल्यूशंस आप निकालते रहिए, 100 साल और तक बात करते रहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? जो रो के जिस दिन से नेताओं के घर के लड़के शहीद होने लगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर, यू काम कर सके। मैं तो बोलता हूँ नेताओं के घर के लड़के शहीद होना शुरू हो, यू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 2 मिनट में। देखिए इमोशनल बातें नहीं करके मैं कह रहा हूँ, देश में अब विषयांतर हो रहा है मिश्रा जी, आपको याद हो रहा है? सही बोल रहा हूँ सर, घर व्यवहारिक बात यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय मुद्दे पे, राष्ट्रीय मुद्दों को पारिवारिक मुद्दों तक मत नहीं। राष्ट्रहित का मतलब ये भी नहीं है इस बात को समझिए। आलोक जी की संसद के भीतर मिश्रा थैंक यू सो मच। मैं तो बोल रहा हूँ मिश्रा थैंक यू सो मच। मैं तो बोल रहा हूँ जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने कोई भी सर कार्यक्रम नहीं आया। ओके ओके मिश्रा थैंक यू सो मच।